Now let's start with question number 13. तो क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि 101 नंबर्स हैं कुछ x1, x2, ऐसे x103, इन सभी की वैल्यूज जो हैं वो +1 या -1 है, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 j एंड 101. सो i एंड j, i इज लेस देन j एंड बोथ आर लाइंग बिटवीन 1 एंड 101, xi xj, दैट व्हाट वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ओके, सो थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। अगर अपन दो टर्म्स की बात करते हैं, अगर अपने पास सपोज दो टर्म्स हैं a और b, तो हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अगर तीन टर्म्स की बात करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। तो अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि दिस इज व्हाट, समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ ab, एवरीवेयर इन द व्हेन द टर्म्स आर 2, व्हेन द टर्म्स आर 3, नाउ व्हेन द टर्म्स विल बिकम 4, अगेन इट विल बिकम व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ऑल द टर्म्स, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी टेकन 2 एट ए टाइम, दैट इज 4c2। ओके, सो इट विल गो लाइक दिस। सो वी कैन जनरलाइज दिस फॉर्मूला, वी कैन राइट व्हाट, समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ ए बी। ओके, सो वी कैन जनरलाइज दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ इन अवर क्वेश्चन व्हाट इज बीन आस्क्ड अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ xi xj। ओके, सो वी कैन राइट x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x101 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x101 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द सेम थिंग विच इज बीन आस्क्ड, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू j एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 101 xi xj, ओनली दिस टर्म्स विल बी देयर, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ xi एंड xj टेकन 2 एट ए टाइम आउट ऑफ दोज 101 कॉम्बिनेशन। ओके, सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, वी कैन राइट दैट समेशन ऑफ xi xj विल बी समेशन ऑफ xi होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सॉरी, माइनस ट्वाइस ऑफ, वी कैन राइट माइनस ट्वाइस ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 2। सो नाउ समेशन ऑफ xi होल स्क्वायर इट इज व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस अप टू x101 होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ xi स्क्वायर। सो समेशन ऑफ xi स्क्वायर, xi ऑल लाइंग बिटवीन 1 एंड -1, ओनली दिस टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर इट विल बी 1 और इट विल बी -1। तो जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर जो भी होगा, चाहे 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा। तो इन सारी वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे तो ऐसे 1 प्लस 1 अप टू टोटल 101 टाइम्स 1 आ जाएगा अपॉन 2। ओके, सो दिस इज x1 प्लस x2 अप टू x101 होल स्क्वायर माइनस 101 अपॉन 2। ओके, नाउ अब अगर अपन को इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, समेशन xi xj का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस मिनिमम लाना पड़ेगा। ये डिफरेंस मिनिमम लाना पड़ेगा तो आप इस परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू हो, जिसपे ये एक तो लीस्ट भी है प्लस पॉजिटिव भी है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो एक तो पॉजिटिव लाना है और दूसरा स्मॉलेस्ट लाना है, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है x1 प्लस x2 अप टू x101 का होल स्क्वायर, ये स्मॉलेस्ट भी हो और इस तरीके से हो कि इसमें जो वैल्यू डली जाए उससे ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी है। तो इसके लिए हम मिनिमम वैल्यू के लिए हम मान लेते हैं, टेक कर लेते हैं कि लेट फॉर मिनिमम
for minimum value of summation xi xj, take x1 plus x2 up to x101 equals to 11. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये समेशन जो वैल्यू है xi xj की वो जाएगी 11 स्क्वायर, दैट इज 121 माइनस 101 अपॉन 2. सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस इट विल बिकम 20 अपॉन 2 एंड दैट इज 10. सो आंसर विल बी 10.